हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएफओ इंटरनेट में। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई होती हैं और विद्यार्थी जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें होती हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में 70,000 अधिक पदों पर भर्ती के आसार हैं और यूपीएससी 2023 का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है कल, उससे रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट है। पेपर से रिलेटेड और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन ने अभ्यर्थियों को उलझाया, साल भर की मेहनत को परखा। और देखिए, दरोगा भर्ती जो 21-22 की हुई थी, उसकी फर्जीवाड़े की पोल खुल गई है और एक युवक ट्रेनिंग के दौरान पकड़ा गया है और शिक्षक भर्ती की सुनवाई जल्द होने वाली है और यूपी ट्रिपल एससी पेट कट ऑफ से छात्र और अन्य महत्वपूर्ण खबरें आप सबके लिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं चेन्नई और गुजरात के बीच खेली जाने वाले किताबी मुकाबले में बारिश ने डाला खलल। तो पहली बार ऐसा होगा आईपीएल के इतिहास में कि रिजर्व डे पे होगा फाइनल। पहली बार रिजर्व डे पे होगा फाइनल। तो इससे पे ज़्यादा नज़र ना रखते हुए, क्योंकि अभ्यर्थी कुछ क्रिकेट में रुचि रखते होंगे तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उनको पता होगा। और सर्वाधिक शतक में कोहली से आगे रहे शुभमन गिल। गिल ने लगाए 3 शतक, विराट के नाम रहे 2। तो एक लाइन के सवाल ने परखी साल भर की तैयारी। विशेषज्ञों ने कहा कि इस बार परीक्षा की तैयारी में उपयोगी साबित नहीं हो पाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूपीएससी में जो सवाल पूछे गए, देखिए, सीएबी इंटर कॉलेज में की परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थी, परीक्षा देने के बाद पेपर पर आपस में चर्चा करती छात्राएं। तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और देखिए, राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए इंटरव्यू 1 जून से होने वाले हैं। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय एवं संगठन महाविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए 1 जून से इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं और जो 8 जून तक चलेंगे। विश्वविद्यालय में पहली बार पीएचडी में प्रवेश होने जा रहे हैं। 24 विषयों में 535 सीटों के लिए इंटरव्यू होंगे। पीएचडी प्रवेश की लिखित परीक्षा में कुल 1887 अभ्यर्थी जो है सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 1828 परीक्षार्थी जो है साक्षात्कार के लिए सफल हुए हैं। इनके अलावा 368 JRF अभ्यर्थियों को भी संस्थान में शामिल होना है जिन्हें लिखित परीक्षा में छूट मिली थी। इस तरह कुल 1196 अभ्यर्थी संस्थान के लिए शामिल होंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा। और पर्यावरण, देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, अभी उसका 22 का रिजल्ट भी आया है और 23 का एग्ज़ाम हो गया। तो जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं वो, देखिए, पर्यावरण पर व टेक्नोलॉजी वाले प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझा दिया। 102 केंद्रों पर संघ लोक सेवा आयोग 2023 की प्री की परीक्षा हुई है और 46% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी है परीक्षा। 46% लगभग 50% लोगों का ही हो रहा। और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए कम आए आवेदन, बढ़ी तिथि। राज्य विश्वविद्यालय में अब तक 15 जून तक के लिए आवेदन लिए जाएंगे। और शिक्षक भर्ती में सुनवाई पर अभ्यर्थियों की नज़र है। बेसिक शिक्षा में 69,000 भर्ती पर सुनवाई होने वाली है। तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ूंगा अगर तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैंने स्क्रॉल कर दिया है, 1-2 बार ऐसे रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे। और PRSU PhD में दाखिले को 100 नंबर का
साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। तो वही चीज़ है, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, 8 जून तक चलेगा। और अभ्यर्थी बोले गणित और रीजनिंग समान स्तर की ही रही, द्वितीय पाली में दोनों प्रकार के पैराग्राफ से सीटेट के पेपर में पूछे गए सवाल, करंट अफेयर से अधिकतर सवाल, पैटर्न भी बदला। तो पैटर्न भी चेंज हो चुका है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी 4 और 5 जून तक की परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है, प्रवेश पत्र जारी हो चुका है, तो आप डाउनलोड कर लें। जितने भी सीटेट के थ्रू होता है, CUET के थ्रू, तो अपना एग्ज़ाम के लिए कर लें। और सिविल सेवा वही चीज़ है। और दरोगा भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ने साल भर बैठाया केस, तो देखिए इसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दरोगा भर्ती में जिस प्रकार से वो किया था, इसका देखिए जांच में क्या पाया गया कि इसकी जो है जांच में पाया गया कि परीक्षा केंद्र के समय ली गई फोटो व ऑनलाइन आवेदन में पाए गए हस्ताक्षर व फोटो से मेल नहीं खा रहे। कोई है दरोगा भर्ती में चयनित अभ्यर्थी रिंकू यादव ने अपने स्थान पर सालवर गैंग बैठाया हुआ था, जांच में इसकी पोल खुली है, ट्रेनिंग के दौरान ये पकड़ा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।